भाई जान गिरफ्तारी लेने आए। अल्हम्दुलिल्लाह आया अंबला 3 से 4 गाड़ियां इस वक्त खड़ी हुई हैं। थोड़ी हैं। इनको गिरफ्तार करने के लिए जिन्होंने जाना चाहे गाड़ी में बैठे मौजूद जिन्होंने खुद देनी है गिरफ्तारी बैठे कुछ को जबरदस्ती बिठाने की कोशिश कर। सारी गाड़ियां भर गई है साथ ही था उधर ही जाना हमने। 3 से 4 गाड़ियां इस वक्त खड़ी हुई हैं। थोड़ी हैं। 10 और होनी चाहिए। वो आपसे कह रहे हैं कि आए बैठे लेके चलते हैं। हमारा ग्रुप आ रहा है इंटरव्यू दे रहा है मीडिया छोड़ेगा हम सारे बीच में बैठेंगे भाई। आप अकेले नहीं के साथ देंगे ग्रुप के साथ होगी। 200 गिरफ्तारी देनी है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कितनी गाड़ियां भर चुकी हैं ठीक है और मजीद भी हमारे लोग अभी आ रहे हैं तो इंशाल्लाह ये हमने जेल भरो तरीक को रोकना नहीं है ये इसी तरह जोर शोर इनको गिरफ्तार करने के लिए जाना चाहे गाड़ी में बैठे जिन्होंने खुद देनी है गिरफ्तारी बैठे। लेकिन कैसा रिस्पॉन्स है दे रहे हैं गिरफ्तारियां ये तो जारी ना कोई रिकॉर्ड भी तो होता है ना कुछ सिस्टम के मुताबिक होता है ना रिकॉर्ड भी ये कह रहे हैं हथकड़ी लगा के अंदर जाओ हथकड़ी क्या हुआ ये जेल में बैठे जैसे जैसे जाना जाए तो इनको अंदर डालने का इरादा है आपका कि नहीं है नहीं है जिन्होंने खुद गिरफ्तारी देनी चाहे गाड़ी आपकी मौजूद है बिजनेसमैन जी भाजी यहाँ पहले हो गया ये तो बाद में गाड़ियाँ आई हैं 200 बंदों की गिरफ्तारी थी वो ले गए 250-300 बंदा चला गया ये तो हाँ भाई ये है कि ये तो बस ही है। ये जो उम्र है आपकी ये एज है ये उम्र है आपकी घर बैठने की आराम करने की कौन सी ऐसी चीज है जो आपको यहाँ खींच लाई है। बेटा मैंने इस कब्र में जाना है इस मट्टी में जाना है इस मट्टी का मेरे पे कर्ज है। एक मिनट आप डिक्टेट ना करें मैं आपसे पूछता हूँ मुझे इस मट्टी का कर्ज है मेरे बड़ों का कर्ज है ठीक है ये वतन मेरा है इस अगर आज से 75-75 पहले लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी हमारे लिए दी थी ना आज हमारी बारी है मैंने आज नहीं तो कल मरना है मुझे डर किस चीज़ का है यार मैंने आने वाले बच्चों के लिए इनके लिए मैं अगर कुर्बान हो जाता हूँ कि अगर इनका मुस्तकबिल बेहतर होता है इससे बढ़ के सौदा क्या है ये गुलामी क्यों है यार हमारे बड़ों ने इंडिया से पाकिस्तान आए पागल थे वो आ गए यहाँ पे कुर्बानियाँ क्यों दी वो तो एक अजीम मिशन थे ना अजीम मिशन ही तो हमें नहीं बैठने देता ना गद्दारी नहीं करना चाहते हम वतन के साथ मरना चाहते हैं हम अपने माँ बाप की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देना चाहते यार सियासत अपनी साइड पर रखो यार लेकिन जो हकीकत है उसको फेस करो रब के सामने पेश होना क्या ले मुँह लेके जाएंगे कि जुल्म हो रहा था बर्दाश्त हम रोटी के पीछे भाग रहे थे ये कहा थी हमारी हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि बंदे में शर्म होती है गैरत होती है यार। अब बात ये क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं यार इस गलीज आपकी गिरफ्तारी इस गलीज मुआशरे से जो है भाई बहुत अच्छी है ये गलीज लोग बैठे हुए हमारे ऊपर किसी को एहसास नहीं होता शर्म नहीं आती किसी को इन्होंने मजबूर कर दिया कि यहाँ पे लोग हराम खा लेके जाएं घर अपने हलाल ना लेके जाएं रब के निजाम को इन्होंने तहस नहस करके रख दिया। अब आपके जेल जाने से मेरे मुल्क का निजाम या मेरे मुल्क के गरीब को किस तरह रोटी मिलेगी आप हो गए मैं हो गया सारे हो गए ना ये एक दूसरे के लिए हौसला है हमें इस तरह के पहली बात है कि मीडिया के संग सवाल करने नहीं चाहिए जिससे हमारे हौसले जो है ना पस्तों नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी गिरफ्तारी देने से जेल भरने से आप क्या समझते हैं इस मुल्क का जो गरीब खुदकशी कर रहा है वो कैसे रुकेगा अपने आप को जेल चला गया सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी औलाद पे मेरी औलाद पे पड़ेगा मेरी नस्ल पे पड़ेगा कि यार वो गुलामी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार याद रखें यहाँ पे जिंदगी में जितनी मर्जी फनकारी कर लें सीना बसीना है आप अपने बच्चे को नहीं बोल करेंगे ना जो आप करेंगे बच्चा आपका वही करेगा किसी का उसके मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको क्योंकि मैं रोल मॉडल हूँ मैं अपने घर का बड़ा हूँ मेरे बेटे ने मुझे फॉलो करना है इमरान खान बाद में आता है तो ये हमें सोचना है कि यार हम अगर बेसिक चीज़ है तरबियत कि आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें यहाँ पे निज़ाम पहले चाहिए या काम चाहिए काम की जरूरत नहीं है बोझ नहीं उठा सकते 75 साल से बोझ ही उठा रहे हैं
अब काम नहीं होगा, पहले निजाम ठीक होगा। वकला की भी एक तादाद मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं, गिरफ्तारियां देने के लिए आए, कानून को समझ, इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र। आप जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनने के लिए आए हैं, क्या देख रहे हैं, इसकी कामयाबी किस हद तक है? जी आपके सामने सबसे पहले जो वर्कर नहीं बड़ी लीडरशिप है वो उमर सरफराज सीमा साहब, मदनी साहब, मुराद राज साहब, हमारे मिनिस्टर लेवल के जो लीडर्स हैं उन्होंने गिरफ्तारी दी है। और आपके सामने यहाँ पे आवाम का रश है, लोग बहुत सारे लोग खुद गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ 200 लोग आज दिए हैं। जी सिर्फ 200 लोग आज दिए हैं, सिर्फ आज 200 की तादाद पूरी की जाएगी, मजीद नहीं, बस इतना ही, यही प्लानिंग है? जी यही, बिल्कुल ऐसे ही है। आप माशाल्लाह कानूनदान हैं, कानून को समझते हैं, कैसे विदाउट द वायलेशन ऑफ द लॉ कैसे गिरफ्तारी दे सकते हैं, कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अब जो है जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। वायलेशन का मामला एक साइड पर रहकर जब मुल्क में वायलेशन का निज़ाम चल रहा है PDM की तरफ से, इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, अब उस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई हमें स्टेप लेना था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के उन्होंने ऐलान कर दिया है, उस ऐलान के ऊपर लब्बाई कहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जो कानूनदान हैं, वकला हैं, डॉक्टर हजराज हैं, जी सारे यहाँ पर आ चुके हैं, ऊपर लब्बाई कहते हुए हमने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया और अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे हम वॉलंटियरली। आपके सवाल का ये है जवाब के ये जब एमरजेंसी नाफिज होती है किसी भी मुल्क में उसमें आता है सेक्शन 144 के, जहां पर मुल्क के अमन व अमान को देखा जाता है और अमन व अमान को देख के उस लिहाज से 144 दफ़ा लगा के फिर अरेस्ट किया जाए, तो ये इनका जुर्म होता है बेसिकली कि जो जब लॉ एंड ऑर्डर ने सेक्शन 144 लगा दिया जाए, जैसे डबल सवारी पर लगा दिया जाता है, जैसे आपने 144 की वायलेशन की है और उस जुर्म में आप समझते हैं कि आपको गिरफ्तार, ऑब्वियस बात है कि 144 इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और लोग गैदरिंग नहीं करनी है, आपने उसकी वायलेट कर दिया। एग्जैक्टली अब आप तैयार हैं गिरफ्तारी देने के लिए? प्रिजनर्स की गाड़ियां यहां पे खड़ी हैं 6 से 7 एग्जैक्टली गिरफ्तारी लेने के लिए। ये तो पुलिस वाले मुहाफिज हैं तो बड़े आराम से कह रहे हैं कि गाड़ियाँ लगाई हुई आराम से बैठ जाओ, अदरवाइज जो 144 की नाफरमानी होती है तो ज़बरदस्ती बिठा लिया जाता है, तो ये एक वो रजाकाराना तौर पर बिठाना चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल रजाकाराना तौर पर बिठाना चाहते हैं। आप ज़बरदस्ती बैठना चाहते हैं? नहीं, सब एक आराम से एक पूरा मन से बैठना चाहते हैं, लेकिन जो 200 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी उस लिस्ट के मुताबिक और एक बड़े एक तरीके से बिठाना चाहते थे, लेकिन ये थोड़ी अफरा तफरी पड़ गई। पहले हमारी सीनियर क़यादत को बिठा लिया गाड़ी में, कुछ को ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ुबैर न्याजी को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, हालाँकि वो उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन जो लोगों को बिठाने की कर रहे हैं वो 200 लोगों की आज लिस्ट है कि 200 लोगों को पकड़े जाएंगे, उनको बिठाएंगे गाड़ियों को पुलिस प्रिजन वैन में बिठाएंगे और उनको अरेस्ट करवाएंगे। अभी मेरा ख्याल है 200 की लिस्ट पूरी नहीं हुई है या हो गई है? तकरीबन ये हमारी लाहौर की जो सीनियर क़यादत है वो देख रही होगी कि 200 लोगों की लिस्ट पूरी हो गई है कि नहीं हुई। आज का इख्तिताम भी हो गया है या अभी ये चलता रहेगा इसी तरह से माहौल? इख्तिताम हो चुका है, जो काफ़ी सारे लोग हमारे अरेस्ट हो चुके हैं उनको गिरफ्तार करवा दिया है, अब देखना यह है कि वो 200 लोग मुकम्मल हो गए हैं। हालांकि गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ तकरीबन को 700-800 लोगों के पकड़ने के लिए गाड़ी। जो मुखालिफ हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने गिरफ्तारियाँ ही देनी है, जेल देना है, तो फिर हाईकोर्ट क्यों आ रहे हो भाई, जमानतें क्यों करवा रहे हो? क्या समझते हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां अपनी मर्जी से देनी है, ये अगर जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती तो नहीं हम देंगे गिरफ्तारियां, हम गिरफ्तारी देंगे अपनी मर्जी से देंगे, जो खान साहब डेट अनाउंस करेंगे उस डेट पे करेंगे, पूरी तैयारी के साथ करेंगे, अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को, उनको मोबिलाइज करके, उनको तैयार करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारियां हो सके। अगर ये इमरान खान को जमान पारक से जबरदस्ती एक को पकड़ लेते हैं और बाद में वर्कर सड़कों पर आते हैं तो वो गिरफ्तारियां कैसे देंगे? प्लान तो ये है कि जब खान साहब को अरेस्ट किया जाए तो वो खुद भी आए बाहर और खुद भी आके लाखों लोगों की तादाद में अपने आप को गिरफ्तार करवाएं और लाखों लोग खान साहब के साथ भी गिरफ्तारी दें, जिस वजह से जो है ना वो हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई कि अभी हमें जो है ना वो बेल दी जाए, जब तक हम खुद नहीं कहते तब तक हमें अरेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि खान साहब के ऊपर तो 60 से ज्यादा FIR की हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कारकुनान हैं जो कि खान साहब के ऊपर जान भी देने के लिए तैयार हैं। अब वो वर्कर्स, वो लोग, वो कारकुनान जब गिरफ्तारी देंगे तो उनका तो कोई ऑफेंस नहीं होगा, उनको ट्रीट कैसे किया जाएगा, उनको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा? तो इस वजह से कहा गया है कि कल पुलिस के ये दस्ते नफरी आ गई है और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, अब जो यहाँ पे मौजूद कारकुनान है उन्हें रजाकाराना नहीं बल्कि ज़बरदस्ती तौर पर भी बिठाने की तैयारियाँ हो चुकी हैं,
और ये सारे फुटेजेज और मनाजिर आप देख रहे हैं। क़यादत जिन्होंने गिरफ्तारी देनी थी वो तो अंदर चले गए हैं, लेकिन जो अब ये नफरी आई है और ये जो प्रिजनर्स वैन यहाँ पे खड़ी हुई हैं इनको भरने की पूरी प्लानिंग है वो की जा रही है इस वक्त, और इनको अब यहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा। अभी ये मनाजिर आपको दिखाएंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं अभी हमारा लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, चूँकि हमारा नाम नहीं है क़यादत की तरफ से या पार्टी की तरफ से, इसलिए अभी हम अपनी गिरफ़्तारी नहीं दे रहे हैं। जो सिर्फ 200 लोग हैं वही आज की तारीख में पार्टी की हिदायत के मुताबिक गिरफ्तारी देंगे। मज़ीद क्या लोगों की राय है, लोग क्या सोच रहे हैं और क्या इनकी आगे प्लानिंग्स हैं, ये हम आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहें।